एनीथिंग। सो मैं आपका पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प करता हूँ लिंक्डइन के थ्रू। सो लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मैं चूज करता हूँ पर्सनल ब्रांड को एस्टेब्लिश करने के। ठीक है, अब लिंक्डइन आपको कैसे हेल्प कर सकता है पर्सनल ब्रांड अगर आपको एस्टेब्लिश करना हो। सो पहले हम एल्गोरिथम समझ लेते हैं, लिंक्डइन की एल्गोरिथम होती क्या है और कैसे काम करती है। मैं अकेला बंदा, मैं इनके साथ कनेक्ट होता हूँ, ये मेरे हो गए सेकेंड कनेक्शन या फिर हमारे फर्स्ट कनेक्शन मान लेते हैं। ठीक है, मैं इनसे कनेक्ट हुआ, ये हो गया मेरा फर्स्ट कनेक्शन। इनके थ्रू मैं किसी और से कनेक्ट हुआ, वो हो गया मेरे सेकेंड कनेक्शन। उनके थ्रू मैं किसी और से कनेक्ट हुआ, वो हो गया मेरे थर्ड कनेक्शन। नाउ अब मेरे पास तीन लोगों का नेटवर्क है, एक दो तीन, तीन लेयर्स हैं मेरे। ठीक है, तीन लेयर्स को हम हेल्प कैसे, लाइक इनसे हम हेल्प कैसे ले सकते हैं। जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट लाइक जब हम कंटेंट पोस्ट करते हैं, सो हमारा जो कंटेंट है वो पहली लेयर में जाता है और लिंक्डइन चेक करता है कि जो पहली लेयर है क्या उस ऑडियंस को आपका जो कंटेंट है वो पसंद आया या नहीं आया। इफ आया और अगर इन्होंने मेरी पोस्ट पे लाइक कर दिया या कॉमेंट कर दी या कुछ भी तरीके से एंगेजमेंट शो कर दी, देन आई एम गुड टू गो। अब जब ये लाइक करेंगे या कुछ भी एंगेजमेंट करेंगे, इसके साथ साथ क्या होगा, बाकी इनके नेटवर्क को, लेट्स से इनके नेटवर्क में है 500 लोग, अब इनके सारे के सारे नेटवर्क के लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी कि भाई इन्होंने हिमांशु के पोस्ट पे लाइक किया है, 500 लोगों को नोटिफिकेशन, 500 लोगों की नजरों में आऊंगा। लेट्स से 50 पीपल्स 500 में से इंटरेस्टेड होते हैं जो कि मेरी पोस्ट पे आते हैं, देखते हैं और एक दो लाइक मार देते हैं। ठीक है, अब वहां से उनके नेटवर्क को नोटिफिकेशन जाएगी कि इन लोगों ने हमारे पोस्ट को लाइक करा है। सो कुछ इस तरीके से आपकी लिंक्डइन एल्गोरिथम वर्क करती है, जहां पे इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम टोटली डिफरेंट, बट लिंक्डइन की एल्गोरिथम इज समथिंग जहां पे किसी एक पर्सन ने अगर रिएक्ट कर दिया आपके पोस्ट पे, आपके कंटेंट पे, तो मेजर डिफरेंस ये आता है कि वो सारे उनके नेटवर्क वालों को नोटिफिकेशन देता है कि हाँ इन्होंने आपके साथ एंगेज करा है, रिएक्ट करा है, ब्ला ब्ला चीजें। इससे हेल्प क्या होती है कि लिंक्डइन में इसलिए आपको सजेस्ट करता हूँ पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, जैसे क्योंकि आप यहाँ पे जल्दी एस्टेब्लिश हो सकते हैं। लिंक्डइन पर कुछ आपके जो क्रिएटर्स हैं जो सच में कॉन्टेंट बना रहे हैं वो अभी बहुत जो कंसिस्टेंटली बना रहे हैं वो अभी 0.1% से भी कम है आपके जो कंसिस्टेंटली कॉन्टेंट डाल रहे हैं। वैसे क्रिएटर्स बहुत हैं जिन्होंने आईडी बना के छोड़ रखी है पर काम नहीं करते, जिन्होंने बस पोस्ट एक दो डाल दिए या फिर हाँ आई एम एट अ वेन्यू और इस तरीके से कंटेंट डाल दिया एंड दैट्स इट। तो ऐसे क्रिएटर्स बहुत हैं, पर जो सच में काम कर रहे हैं, जो रेगुलर कंटेंट डाल रहे हैं, ऐसे क्रिएटर्स आर वेरी लेस, जो कि 0.1% में आ रहे हैं हमारे। तो यहाँ पर कॉम्पिटिशन कम है एज कम्पेयर टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम और एनी अदर प्लेटफॉर्म। दैट्स वाई मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लिंक्डइन पे जाएं और लिंक्डइन पे जाके आप अपनी जर्नी, अपना कंटेंट वगैरह वगैरह जो आपको शेयर करना है वहाँ से आप शेयर करना स्टार्ट करें। रेनू जी।